फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिका ताजा शियाने में स्वागत है आपका। मटन की भाजी और पराठे की रेसिपी शुरू करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा नया चैनल है ये, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। इस तरह ही अच्छे अच्छे रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, 1 कप मैदा ले लिया है और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें 2 से 3 स्पून तेल डालेंगे और आटे को और नमक को तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो रेडी हो रहा है। इस तरह से करने से लंप्स छोटे छोटे कहीं भी रहे तो मिक्स हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो डो रेडी हो रहा है। इस तरह करके रख देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रेडी हो चुका है। इसके रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। मटन की तरफ चलते हैं। 2 से 3 पानी से धो दिया था मैं, उतने छोटे नहीं उतने बड़े नहीं, पीस कट करके रख दिया था। और आनियन डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे इसमें और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। इसको मिक्स करके ढक के गैस पे रख देंगे 3 से 4 सीटी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये तो सीटी हो रहे हैं। ये तो सीटी हो चुकी है। खोल के देखेंगे कि मटन गला हुआ है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मटन तो गल चुका है। अलग से पैन ले लेंगे, 4 से 5 स्पून तेल डालेंगे इसमें। ये तो ऑयल हीट हो चुका है। हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रख दिया था मैं, इतना तेज डाल रही हूँ मैं। थीका आप थीका कम खा सकते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और धनिया का पेस्ट डालेंगे और इसे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिक्स करने के बाद गला हुआ मटन डाल देंगे इसमें पूरी तरह से डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए 3 कट्टे पालक लिया था मैं, 3 कट्टे मेथी और अच्छे से धो के रख दिया था और इसमें डाल देंगे मटन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डाल दी हूँ पूरी भाजी और इसे ढक के अच्छी तरह से रख देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी भाजी दब चुकी है इसी तरह से, तो फाइनली बन चुकी है। थोड़ा पानी है, इसको जजम होने के लिए छोड़ देते हैं। वाओ, माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही है। इसकी खुशबू भी बढ़िया आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरी तरह से भाजी भी रेडी हो चुकी है। पराठे की तरफ चलते हैं। तो पराठा इसी तरह बेलना चाहिए फ्रेंड्स, और इस तरह बेल लेंगे बाद
और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और सूखा आटा डालेंगे। इसी तरह प्लेट्स जमा लेंगे इसी के। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह प्लेट्स जमाना चाहिए इसी के। प्लेट्स जमाने के बाद दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, और इसको राउंड राउंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रेडी हो चुका है। इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। ये इस तरह, इतना छोटा भी नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं। तवा हीट करके रख दिया था मैं ऑलरेडी, और तवा हीट हो चुका है। इसमें पराठा डालेंगे, एक साइड ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे। इस तरफ भी ऑयल लगा देंगे। ये तो पराठा रेडी हो रहा है। इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। फ्रेंड, दूसरा भी इस तरह, सारे पराठे इसी तरह से सेक लेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, पराठे भी रेडी हो चुके हैं। इस तरह करने से स्मूथ हो जाएंगे और उसके प्लेट्स खुल जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रेडी हो चुका है। चलिए फ्रेंड, डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, वाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी दिख रही है रेसिपी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप भी बना के बताइए कि कैसी बनी थी आपकी भाजी और मटन की भाजी और पराठा। चलिए फ्रेंड्स, घर वालों से पूछते हैं कि कैसी बनी थी। ये तो खा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो जनाब कुछ भी नहीं बोल रहे, इसके मज़े ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि सुपर बना था। चलिए फ्रेंड्स, इसके इनके तरफ से भी अच्छा रिजल्ट आता है।